तो बिफोर वी स्टार्ट वेक्टर्स, देखो वेक्टर्स का ना फिजिक्स में एज सच बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. अगर आप ये देखो कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर में, ये हम लोगों को पता है. अब बिकॉज जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो वेक्टर्स हैं, उन सभी को अगर स्टडी करना है तो वेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है, वेक्टर एलजेब्रा के बारे में जानना जरूरी है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, ये सारी चीजें काफी यू नो मायने रखती हैं. और यही वजह है कि वेक्टर जो चैप्टर है एज सच इसका बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है. वेक्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आईआईटी में भी पूछे जाते हैं. पिछले साल का अगर हम पेपर देखें तो अगर टोटल 16 पेपर हुए थे उन पिछले साल में, तो उन पेपर्स में कम से कम 10-12 क्वेश्चंस वेक्टर्स से थे, डायरेक्ट एप्लीकेशन. तो ये आप मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, और इसका यूज जब तक आपको वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर क्वांटिटीज जिस भी चैप्टर में वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, मान लो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन सब क्वांटिटीज का जो एलजेब्रा है उनको सॉल्व करने के लिए वेक्टर का यूज हम लोग को करना पड़ेगा. तो इसीलिए हर चैप्टर में इसका इम्पोर्टेंस है, और ये वजह है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग इसको मानते हैं. अब चैप्टर को अगर हम स्टार्ट करें, वेक्टर्स बेसिकली जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज पहले तो क्या होती है, वॉट आर फिजिकल क्वांटिटीज, बताओ क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज. हम लोग इतना पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि ऐसे सारे क्वांटिटीज जिसको यूज करके हम लोग फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर सकें, है ना, फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के लिए जिन क्वांटिटीज का यूज होता है उन क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. तो एग्जाम्पल हो गया मास हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, अपना टाइम है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, टेम्परेचर, फोर्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज. इन सभी को यूज करके ही तो हम फिजिक्स के किसी लॉ को डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज ही नहीं पता होंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हम लोग क्या लिखेंगे, ना तो हमें फोर्स का पता है, मास का पता है, एक्सेलरेशन का पता है कि ये क्या होते हैं. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज पता होने चाहिए आगे फिजिक्स के लॉज को डिफाइन या अंडरस्टैंड करने. राइट, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पहला हो गया स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी. सो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें बस मैग्नीट्यूड होता है. मैग्नीट्यूड मतलब एक नंबर होगा और उसका जो है यूनिट होगा. तो मैग्नीट्यूड होने का मतलब कि मास अगर हम 10 kg लिखते हैं तो एक नंबर इसको डिफाइन करेगा और केजी इसका यूनिट डिफाइन करेगा. तो 10 kg उसका मैग्नीट्यूड हो गया मास का. और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों एग्जिस्ट करे वैसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे. तो वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है. इसका मतलब कि अगर हम वेलोसिटी वेक्टर ही बोले या फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको बोले, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ. तो जब हम लोग ये 2 न्यूटन बोलते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है. एक नंबर और एक यूनिट मिला के एक मैग्नीट्यूड बनाता है फिजिकल क्वांटिटी को. फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और साथ में एक यूनिट होगा. राइट, सो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों मिला के फिजिकल क्वांटिटी होता है. अब बस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होगा तो बस हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड है इसका, स्केलर क्वांटिटी हो गया. जब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ एक डायरेक्शन भी एड हो गया तब उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, जैसे यहाँ 2 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ हम लोग लिख रहे हैं. सो अब डेफिनेशन पे आए, अगर हम पढ़े स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स. तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बस मैग्नीट्यूड ही होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स कहते हैं. और
जो एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटीज का क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस कवर्ड है, स्पीड हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं स्केलर क्वांटिटीज के। इन सब में बस मैग्नीट्यूड होता है, मतलब एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेंथ को किसी को रिप्रेजेंट करना है तो 1 मीटर लिखेंगे, टाइम हो गया तो 2 सेकेंड्स हो गया, डिस्टेंस है तो ये भी 1 मीटर हम लोग अगर डिस्टेंस बताएंगे, स्पीड है मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर है 3 केल्विन, वर्क है 5 जूल्स। तो ये जो बस नंबर और एक यूनिट को के साथ जब डिफाइन करेंगे तो वो हमारा बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एलजेब्रा। तो नॉर्मल लॉ ऑफ एलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते हैं अभी तक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, जो नंबर्स का जैसे करते थे वैसे ही स्केलर क्वांटिटी का एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो, दो नंबर को जिस तरीके से एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं वैसे ही दो वेक्टर्स जो स्केलर्स को, सॉरी, दो स्केलर्स को वैसे ही एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। स्केलर में भी पॉजिटिव, मतलब कि अगर मेरे पास दो मासेस है ना, 2 kg और 5 kg, तो मैं बोला इन दोनों मास को जोड़ के कितना मास होता है, तो 2 + 5 हम लोग 7 kg बोल देंगे। या 5 kg वाले से अगर 3 kg का मास को हटा दिया तोड़ के, तो जो बचा हुआ मास है वो निकालना है तो 5 - 3 करके 2 kg निकाल लेंगे। तो ये जो हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, दैट फॉलोज ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एलजेब्रा। अ स्केलर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इज स्पेसिफाइड बाय मेयर नंबर एंड यूनिट। तो जो एक स्केलर है ये पॉजिटिव हो सकता है ना, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, एंड इट इज स्पेसिफाइड बाय मेयर नंबर एंड यूनिट। तो एक नंबर होता है और साथ में एक यूनिट होता है। तो जो हम लोग अभी यहाँ पे देखे भी हैं, 2 मीटर पर सेकेंड है या 2 kg है या 2 सेकेंड्स है, इन सब में एक नंबर है और साथ में एक यूनिट दिया हुआ। अब वेक्टर क्वांटिटीज हम लोग देखेंगे, है ना। ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, दो तरीके का, एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, सेकेंड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सो वेक्टर क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड है और साथ में एक डायरेक्शन है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है वेक्टर क्वांटिटीज का, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलेंगे तो बस 2 मीटर जो बोलेंगे तो वो डिस्टेंस होता है, अगर हम लिखेंगे कि 2 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट तब वो डिस्प्लेसमेंट हो। वेलोसिटी अगर हम कहते हैं 3 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट तो वो वेलोसिटी हुआ ना, ये तो 3 मीटर पर सेकेंड वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। डायरेक्शन बताना जरूरी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एलजेब्रा। फॉर दीज ऑपरेशंस वी यूज लॉ ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो उसको ऑर्डिनरी लॉ ऑफ एलजेब्रा से हम नहीं कर सकते, इसके लिए लॉज ऑफ वेक्टर्स होते हैं, अलग एक लॉ होता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ वेक्टर्स को यूज करके हम लोग दो वेक्टर को एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते। डिविजन ऑफ अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर इज नॉट वैलिड ऑपरेशन इन वेक्टर एलजेब्रा। तो देखो, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन कैसे होता है ना, फॉर्मूला बेस्ड भी और ज्योमेट्रिकली भी कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना, एनालिटिकली मतलब एलजेब्रिकली कैसे ऐड करेंगे, एलजेब्रिकली कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ज्योमेट्रिकली कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है और एक वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेसिकली दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। डिवीजन दो वेक्टर का पॉसिबल नहीं है, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा कोई वैलिड ऑपरेशन वेक्टर एलजेब्रा में एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय अ सिंगल लेटर, एक मिनट बच्चों,
सॉरी बच्चों, तो अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर बाय अ सिंगल लेटर इन बोल्ड फेस और बाय यूजिंग सिंगल लेटर विद एन एरो हेड ऑन इट. तो जनरली जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो या तो हम लोग बोल्ड लेटर से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर एक लेटर जो अल्फाबेट है उसके ऊपर एरो को रिप्रेजेंट करके करेंगे. अब बोल्ड फेस से तो हम लोग जब हम लोग कॉपी में लिख रहे होते हैं तब बोल्ड फेस से तो समझ में आएगा नहीं किसी को, क्योंकि हो सकता है उनको लगे कि ये आपने ओवर राइटिंग कर रखा है. तो इसीलिए तरीका, बेटर तरीका है कि उस अल्फाबेट के ऊपर हम एरो को रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो वेक्टर बताता है. तो मान लो ये वेक्टर ए है या वेक्टर बी है तो उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. Geometrically or graphically, a vector is represented by a straight line with an arrowhead, that is arrowed line. तो ये तो हो गया representation. अब geometrically अगर हम लोग को graphically बताना है एक vector को, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको straight line से represent करते हैं. तो हम लोग जो ये vector, अगर हम लोग बताते हैं कि ये vector A है, तो इसका जो length है इस arrow का, वो length उसका magnitude बताता है. So length of the arrow gives you the magnitude, है ना. कोई भी वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, तो लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगा. मान लो हम लोग डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज 2 meter, तो 2 meter में हम लोग क्या करते हैं, इसके यूनिट को मतलब ऐसा ले लेते हैं कि जो वेक्टर का यूनिट है, सो 1 unit इज इक्वल टू लेट्स से 1 centimeter से रिप्रेजेंट कर, है ना. तो यहाँ पे एरोड लाइन का 2 centimeter का लाइन बना दिया, मतलब 2 unit का वो वेक्टर हो गया लेंथ का. तो यूनिट कुछ भी है, मान लो मीटर है तो मीटर हो गया, किलोमीटर है तो किलोमीटर हो गया. और उसी तरह अगर हम लोग को, सो जो एरो का जो लेंथ है, मान लो अगर हम लोग को 4 unit का रिप्रेजेंट करना होगा, तो इसका 4 times लंबा है, 2 times लंबा है, बिकॉज ये 2 units है, तो 4 units का इसका 4 times, 1 unit का 4 times हो जाएगा, तो वो 4a हो जाएगा, ठीक है. Now the starting point of arrowed line is called tail or origin of vector, and the end point of arrowed line is called tip or head of the vector. तो ये जो starting point है किसी vector का, ये वाला जो point है ये tail हो गया, और जो arrow head है वो head of the vector होता है. तो tail or origin of the vector and tip or head of a vector, ये एक वेक्टर का बेसिकली टिप हो गया या हेड हो गया, और ये इसका टेल हो गया, ठीक है. जो टिप और हेड है वो डायरेक्शन बताता है किसी भी वेक्टर का. अब मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर पे आए. So modulus of a vector, the magnitude of vector is modulus of a vector. Okay. So magnitude of a vector is also known as modulus of a vector. So modulus of a vector A is represented by A के अंदर ये इस तरह से absolute value वाला sign करेंगे, या फिर vector का जो arrow है उसको हटा देंगे तो भी उसका modulus बता रहा होगा. तो किसी भी vector का magnitude को अगर represent करना है तो उसका representation या either इस तरीके से vector A के दोनों तरफ line बना के जो absolute value जैसे represent करते हैं वो modulus बताता है, या फिर जो vector का sign है उसको हटा देंगे तो भी उसका modulus of vector बताएगा. तो अब इसका मतलब क्या होता है ये सब चीज अभी थोड़ी देर में हम लोग कर लेंगे, है ना, next slide तक जाते हैं. तो modulus of a vector उसका magnitude बताता है. मान लो जैसे हम लोगों ने बनाया था भाई 2 meter towards north, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 2 हो गया बेसिकली इस वेक्टर का, तो वो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर होता है. नाउ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए दे रखा है और हमने बताया कि 1 unit इज इक्वल टू 1 centimeter, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे. तो ये अगर एक एक वेक्टर जो कि उसी वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग है और उसका लेंथ 1 unit है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट उसको ए कैप से करेंगे. तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, उसके ऊपर एक कैप लगा दिया तो यूनिट वेक्टर हो,
यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और डायरेक्शन सेम है जो कि वेक्टर ए का है, तो वो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होगा और ना तो कोई डायमेंशन होगा वेक्टर, सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेक्टर एंड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, ये बस डायरेक्शन को बताता है, एरो उस तरफ है जिधर वेक्टर ए है, तो ये बस डायरेक्शन को बताता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, है ना। नाउ अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज रिटन एज ए कैप एंड इज रेड एज ए कैप और ए हैट। नाउ सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, या फिर उसके बस लेटर को हम लिख देंगे तो भी उसके मैग्नीट्यूड को बता रहा हूं। सो एक वेक्टर है, उस वेक्टर, now that vector is a combination of two things, one is the magnitude of that vector jisko modulus of that vector kehte hain aur dusra uske along jo unit vector, in dono ko multiply karoge to tumko vector a mil jayega, magnitude into direction, ye a cap kya deta hai hame, direction batata hai, represents direction only, to magnitude ko direction ke sath jod denge to hame total vector a mil jayega, to koi bhi vector ka jo unit vector hai a cap उसका डेफिनेशन क्या हो गया, उस वेक्टर को अगर उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है उसके अलावा, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज द यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर ए, राइट। नाउ सो ए कैप इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी उस। अब हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल अगर लें, लेट से हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i + 4j। अब बेसिकली क्या है, आई जे क्या होता है, पहले तो ये समझ लें कि दो कोऑर्डिनेट, अगर हमारे पास एक टू डायमेंशनल प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये एक वाई एक्सिस हो गया, तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब यूनिट वेक्टर मतलब कि 1 यूनिट का एक वेक्टर जो x एक्सिस को के डायरेक्शन में है उसको हम लोग i कैप से रिप्रेजेंट करें, और एक यूनिट वेक्टर जो कि y एक्सिस के अलोंग है उसको हम लोग j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा i कैप हो गया और ये दूसरा j कैप हो गया, ये दो वेक्टर्स हो गए। अब यूनिट वेक्टर्स हो गए, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको स्पेशल नाम दिया गया है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको स्पेशल नाम दे दिया गया है जे कैप। तो जब मैं बोलता हूँ कि एक वेक्टर है जिसका कि 3i + 4j है,
तुम ये समझो कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो यहाँ पर अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लेंथ है वो हो गया एक्स के बराबर, और इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो लेंथ है ये हमारा वाई के बराबर हो गया, राइट। तो अब अगर हम लोग को इस वेक्टर को ओपी, मान लो ये वेक्टर है, वो मेरा ओरिजिन हो गया और पी पॉइंट हो गया, इस वेक्टर ओपी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे। ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेक्टर होता है, मतलब उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप और जे कैप साथ में यूज करेंगे तो हमें ये वेक्टर ओपी मिल जाएगा। ओपी का एक्स कॉम्पोनेंट हो गया ये मान लो ए है, OA इसका x कॉम्पोनेंट हो गया और B पॉइंट OB जो है इसका y कॉम्पोनेंट हो गया। तो ये हमारा टू डायमेंशंस में जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टू डायमेंशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन टू डायमेंशंस, तो ये हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया दो डायमेंशन। ठीक, अब ये हमारा मान लीजिए ये ए कैप, ए कैप यूनिट वेक्टर बताता है, तो उसके लिए पहले ये समझो कि मान लो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का। So modulus of vector is OP का magnitude, ऐसे represent कर रहे हैं, is root under x square plus y square. तो अगर हम लोग को OP का, OP के along हम लोग को unit vector निकालना है, तो unit vector निकालने का formula होता है उस vector को उस vector के magnitude से divide कर दें तो हमें unit vector मिलता है। ये अभी पीछे भी हम लोगों ने देखा, मान लो ये वेक्टर ए है तो हम लोगों ने क्या देखा था, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। अब ओपी डिवाइडेड बाय ओपी का मैग्नीट्यूड, मतलब मेरे पास ओपी क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे है डिवाइडेड बाय, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो ए कैप को अगर यहाँ रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या करेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मेरा है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय इसको रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो यही हुआ रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये पूरा वेक्टर हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 प्लस 16 रूट 25 हो गया, तो जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5 हो गया, ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं हम लोग कि भाई a कैप यूनिट वेक्टर अलोंग a इज 3 बाय 5i प्लस 4 बाय 5j, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया इस वेक्टर। क्लियर है बच्चों, लिख लो फटाफट इसको।
लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। तो वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग थ्री डायमेंशंस के केस में अगर बात करते हैं, तो तीन डायमेंशन जब होता है तो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तीन डायमेंशन को, तो यहाँ पे आई जे और के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन थ्री डायमेंशन, अब ये तीन डायमेंशन में ठीक है, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई तो हमें पता है कि भाई परपेंडिकुलर है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन वाई हो गया। जेड क्या है? Z is basically coming out of the plane of paper, मतलब हमारे स्क्रीन से अगर बाहर की तरफ एक वेक्टर को देख लो तो वो Z dimension हो गया। मतलब कि अगर हम लोग इस मतलब अपने जो रूम में आप बैठे हुए हैं वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो फ्लोर है, फ्लोर पे एक जो सामने वाले दीवार का नीचे वाला जो पोर्शन है, अगर उसको X लेते हो तो साथ में लेफ्ट साइड में वो Y जो है वो y एक्सिस होता है, मतलब जो कॉर्नर पे जो दीवाल मतलब जो हाइट हो गया वो y एक्सिस हो गया, और जो दीवाल का नीचे वाला पोर्शन है जो यू नो लेफ्ट साइड में है तो वो हमारा z एक्सिस हो गया, बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, सो x y एंड z हमारा बेसिकली ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही x होगा, यही y होगा, यही z होगा, वो बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। कहीं कहीं पे तुम ऐसा भी देखोगे कि ये जो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें ये वाले को x लिख रहे हैं, इसको y लिख रहे हैं और इसको z लिख रहे हैं, तो ये होना चाहिए बस एंटी क्लॉकवाइज में। हम किसी भी एक्सिस को x, y और z चुन सकते हैं, बट एक ऑर्डर में चलेगा, x के बाद y आएगा, y के बाद z आएगा, और डायरेक्शन क्या होगा उसका? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तीन डायमेंशन का वैल्यू हो गया इन थ्री डायमेंशन। नाउ ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसी में एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, मान लो जो यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलोंग है उसको i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और z एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? i कैप, j कैप, i कैप, j कैप तो अभी पीछे भी हम लोग पढ़े थे, और ये k कैप हो गया। मतलब कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है जिसको हम लोग वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके तीन कंपोनेंट में अगर हम लोग उसको ब्रेक कर ले, तो तीन कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए ए एक्स, ए वाई और ए जेड तीन कंपोनेंट है। कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको हम बताएंगे, वो दिखा के एक हमारे पास फिगर है उसमें शो करके। तो ए का जो एक्स कॉम्पोनेंट है, एक्स के अलोंग जो इसका कॉम्पोनेंट है वो ए एक्स हो गया, तो हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट ए एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ए वाई और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ए जेड, और इनका जो यूनिट वेक्टर है आई जे के कैप से हम लोग उसको साथ में जोड़ देते हैं, तो उससे ये पूरा वेक्टर ए मिलता है। अब जो है,
आप ये देखो कि ये जो वेक्टर है यहां पर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे एक्स वाई प्लेन पे, राइट, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉप किया इससे आप जेड एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉप करोगे वाई एक्सिस, तो ये इस तरह का थ्री डायमेंशनल फिगर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, आप इसको कंप्लीट कर लो, इसको अगर कंप्लीट करोगे तो इस तरह का आपको एक फिगर मिलेगा। तो ये एक देखो थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया, है ना, थ्री डायमेंशनल फिगर है। अब इसका जो ये हम लोग जो यहाँ पे ड्रॉप किए हैं, ये जो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, ये होगा तुम्हारा लेंथ ए वाई के बराबर। इधर जो हम लोग एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके बनाए हैं, ये जो लेंथ है ये ए एक्स के बराबर हो गया, और ये वाला जो लेंथ है जो परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप किए ये लेंथ हमारा ए जेड हो जाए। तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये हमारा वेक्टर ए हो गया। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें बताना है वेक्टर ए का, तो वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हमें क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। और अगर यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर के अलॉन्ग, तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, तो मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 2y प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, ये हमारा वेक्टर ए है। अब हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जो मेरा एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट है, ये एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स क्या है मेरा 2 है, ए वाई क्या है 3 है और ए जेड क्या है 4 है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना हो गया 25 प्लस 4 29, तो रूट 29 हो गया ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर है वो निकालना है, तो यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए मींस 2y प्लस 3j प्लस 4k, ये जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, मतलब रूट 29 से। सो ये जो वेक्टर है उस वेक्टर को हम लोग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर इज, अब अलग अलग डिवाइड कर लो, 2 डिवाइडेड बाय रूट 29 आई प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट 29 जे प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट 29 के, ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए हो गया। यूनिट वेक्टर क्या है, मान लो ये पूरा ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो एक वेक्टर जो मिलेगा जिसका डायरेक्शन तो ए वेक्टर के अलोंग है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं ए का, और उसको निकालने के लिए मैथमेटिकली ये फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों, आ रहा समझ में? Yes. Now let's go to the next one. So यही चीज यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम I, J, K आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप है,
y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर j कैप और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर k कैप, ये तीन अलग अलग नाम दिए गए हैं। Thus, a unit vector in a given direction is also defined as a vector in that direction divided by the magnitude of the given vector. मतलब उस vector, उसके along एक vector को vector in that direction और उसको magnitude से divide कर दोगे तो तुम्हें unit vector उस direction में पता चल जाएगा। वो जो unit vector है वो unitless है, dimensionless है ना, वो बस direction बताता है, ये हम लोग already पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं equal vectors पे। दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा, जब उसका डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो डायरेक्शन सेम मतलब एरो का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, अब वो पैरेलल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। देखो डायरेक्शन तो पैरेलल भी होगा तो भी सेम ही होगा, राइट के तरफ डायरेक्शन है, एक के ऊपर एक लाई करना जरूरी नहीं है इक्वल वेक्टर्स के लिए, इट कैन बी पैरेलल एज वेल। और उसके बाद उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर अगर सेम हो गया, यहाँ से यहाँ जो लेंथ है वो दोनों वेक्टर का अगर सेम है और उनका जो एरो का जो डायरेक्शन है वो दोनों वेक्टर का एरो का डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। सो टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड इज सेम एंड द डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम। ठीक है बच्चों? यस सर। अब देखो इस फिगर की बात कर रहा था मैं कि यहाँ पे ज्यादा बेटर तुमको समझ में आएगा। अगर हमारे पास ये पॉइंट ओ है, ओरिजिन है, ओरिजिन को 0,0,0 रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तीन कोऑर्डिनेट है, थ्री डायमेंशनल फिगर है ये। अब ये जो पॉइंट पी है इसका तीन कोऑर्डिनेट एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट वाई है और जेड कोऑर्डिनेट जेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, पी पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहाँ पे, इस प्लेन पे जो एक्स वाई प्लेन हमारा जमीन जो है, जमीन वाले प्लेन पे हम लोग इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, राइट। अब इस पॉइंट से दो और परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो यहाँ पे देखो इसको एक्स ले रहे हैं, इसको वाई ले रहे हैं और इसको जेड ले रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो लेंथ होगा इसका ओ आर का, उसको क्या बोल लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एक्स के बराबर जो एक्स कोऑर्डिनेट। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वाई एक्सिस पे, तो ये जो लेंथ है क्यू एस उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो वाई है, सॉरी ये जो क्यू एस है ये मेरा एक्स है और ये वाला जो डिस्टेंस है क्यू आर ये हमारा बेसिकली वाई हो गया, राइट। तो ये जो लेंथ x एक्सिस के अलोंग लेंथ हो गया x हो गया, y एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो y हो गया और z एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो हमारा z हो गया, हाइट बेसिकली। तो अब हम लोग ये देखते हैं जो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसको i कैप, j कैप और k कैप। तो हम लोग पूरे वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना होगा OP वेक्टर को तो उसको हम लोग लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और अगर हम लोग को वो पूरा पैरेललोग्राम खत्म, मतलब हम लोग को बना के देखना है कि ये थ्री डायमेंशनली कैसे दिखेगा, तो यू कैन कंप्लीट दिस फिगर। तो ये हमारा थ्री डायमेंशनल फिगर है। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब देखो यहाँ पे जो वेक्टर के रोटेशन, मतलब वेक्टर जो इधर उधर मूव कर रहा है उससे तुम देखोगे कि एक्स वाई जेड जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे वेक्टर को मूव करा रहे हैं कि बस एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, वाई और जेड क्या है, फिक्स्ड है, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये जो x है ये इसका डिस्टेंस हो गया, मान लो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया प्लेन पे, तो ये प्लेन पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसके बाद उस पॉइंट से हमने दो और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक x एक्सिस के अलोंग
और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया एक्स के बराबर, वाई एक्सिस पे जो किया है वो वाई के बराबर, मतलब ये वाला जो है वाई हो गया, और जेड एक्सिस के अलोंग जो किया है वो जेड किया है। अब अगर ये मूव करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब बेसिकली एक्स चेंज कर सकता है, वाई चेंज कर सकता है, जेड चेंज कर सकता है, सेम चीज थ्री डायमेंशन में। और थोड़ा विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या है, थ्री डायमेंशन एक नई चीज है आपके लिए और उसके डायमेंशन को थोड़ा समझना और उसके उसको विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग कोई मूवी हॉल में जाते हैं तो सामने जो हमें पर्दे पे दिख रहा होता है वो क्या है, टू टू डायमेंशन है, एक्स और वाई है ना, वो पर्दे पे ही दिख रहा है हमें सारा चीज। अब अगर हमें थ्री डायमेंशन समझना है तो थ्री डायमेंशन थ्री डी मूवी अगर हम लोग देखने जाते हैं तो वहां पे हम लोग को ये भी दिख रहा होता कि कोई चीज फेंका तो वो हमारे ऊपर आ गया, बेसिकली ऐसा लगता है जैसे कि उसने ऐसे घुसा मारा है उस हीरो ने तो पूरा बाहर तक निकल के आ रहा है, हमें लग रहा है। तो वो थ्री डायमेंशन मतलब हमने उसमें जेड कोऑर्डिनेट भी ऐड कर दिया, मतलब जो बाहर की तरफ निकल रहा है, एक्स वाई तो पर्दे पे था ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो बाहर की तरफ जो एक्सिस हमने कर दिया वो हमारा जेड एक्सिस भी हो गया, तो वो तीसरा डायमेंशन बेसिकली उसमें ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसमें देखो ये हमारा बेसिकली इस तरह से एक्स वाई और जेड जो है किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, इसको एक्स ले लिया तो ये वाई होगा और ये जेड होगा, हमेशा तुम देखो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके रोटेशन से बेसिकली आपको थ्री डायमेंशन का आइडिया लगेगा बेसिकली। नेक्स्ट अगर हम चले यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो थ्री डायमेंशन में वेक्टर कैसा दिखता है वो तुम्हें भी यू विल गेट एन आइडिया। तो ये हमारा वेक्टर का तो ये देखो वेक्टर पूरा रोटेट कर रहा है हमारा राइट। तो इसमें जो ये रेड कलर से दिखा रहे हैं वो मान लो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो ग्रीन वाला है ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग ग्रीन लेते हैं तो जेड हमारा ब्लू हो जाएगा राइट। तो यहीं पे देखो जैसे ये मेरा वेक्टर है जो हम लोग बता रहे थे ओपी वेक्टर ठीक है, और इस वेक्टर से हमने ये एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर लेके आए थे राइट। और यहाँ पर से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसके अलोंग, इसके अलोंग और यहाँ पे इसके अलोंग, तो ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो बेसिकली ये थ्री डायमेंशन को समझने में तुम्हें मदद करेगा, ये वेक्टर है, ये हमारा आई जे के कॉम्पोनेंट्स है बेसिकली ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? यस सर। सर हाँ सुधा सर, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों लेते हैं हम लोग? यस सर। नहीं एंटी क्लॉक क्योंकि वो एक एक कन्वेंशन इन्होंने फॉलो किया है, मतलब देखो सारे फिजिसिस्ट एक ही तरीके से सोचे तो सब लोग मिलके एक कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि भाई यही कन्वेंशन हम लोग मानेंगे। तो ये राइट हैंड थंब रूल से बेसिकली चलता है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि भाई अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो हमारा ये जो तीन डायमेंशन है, एक्स एक्सिस अगर हम ब्लू वाले को ले लेते हैं यहाँ पे राइट, तो x एक्सिस ब्लू वाले को ले लिए, ये जो है हमने y एक्सिस ले लिया और इसको z एक्सिस ले लिया। तो राइट हैंड थंब रूल कह रहा है कि आप x से y के तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, x से y के तरफ, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो तुम्हें z देगा। तो तुम अगर देखो यहाँ पे मैंने बोला कि x से y के तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करो राइट, तो x मेरा क्या हो रहा था, बाहर की तरफ निकल रहा था है ना, बाहर की तरफ निकल रहा था। उससे हम y की तरफ जब अपने फिंगर्स को इस तरह से घुमाओगे x से y की तरफ, जो थंब का डायरेक्शन होता है वो हमें z का डायरेक्शन देगा ठीक है। तो x क्रॉस y हमें z का डायरेक्शन देगा। तो वो एक राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग बेसिकली इसके इसके कन्वेंशन को डिफाइन करते हैं, तो इसीलिए उसको वैसा लिया है ना। वर्ल्ड वाइड हम लोग एक ही चीज फॉलो करें इसके वजह से एक कन्वेंशन ये लोग डिफाइन करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सब लोग फॉलो करते हैं ठीक है।
अब हम लोग ये फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस k, हमारा एक वेक्टर है, लेट्स से एक वेक्टर a है जिसको हम लोग 4i माइनस 3j प्लस k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा एक्स आई वाई जे जेड के, तो मेरा x क्या हो गया 4 हो गया, y माइनस 3 हो गया और z 1 हो गया। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 16 प्लस 9 प्लस 1, 25 प्लस 1 क्या हो गया, रूट 26 हो गया। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हमारा रूट 26। तो अब अगर हमें यूनिट वेक्टर a निकालना है तो पूरे वेक्टर a को लिख लेंगे 4i माइनस 3j प्लस k और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय रूट 26i माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट 26j, सेपरेटली डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय रूट 26k। तो ये हमारा बेसिकली यूनिट वेक्टर हो गया इसके बाद। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग अभी पीछे किए भी थे, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दैट। ठीक है बच्चों, यस सर, लिख लिया बच्चों, यस सर। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम लोग डिफाइन करते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, तो उसके लिए क्या करते हैं, टेल टू टेल दो वेक्टर को ज्वाइन कर देते हैं। टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो छोटा एंगल दोनों वेक्टर के बीच में है, वो डायरेक्शन हमें, वो जो एंगल है वो हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताएगा। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल, राइट। सो टेल टू टेल दो वेक्टर को रखा हमने, एक वेक्टर को ऐसे रखा ए, दूसरे वेक्टर को टेल मिला के उसका टेल साथ में लगाया, है ना, वेक्टर बी। अब इस वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच में दो एंगल, एक ये एंगल है और एक ये वाला एंगल। इन दोनों में छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला जो एक्यूट एंगल है, तो ये थीटा, बेसिकली ये जो थीटा होगा, दिस इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हो गया। ठीक है, तो ए और बीच, बी के बीच का एंगल थीटा होता है। अब यहां पे तो सिंपल था, दोनों का टेल ऑलरेडी ज्वाइंट था। अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ऐसा आ गया, है ना, बी वेक्टर, और वेक्टर ए का डायरेक्शन ऐसे है, अब देखो इसका ए का हेड बी के टेल से मीट कर रहा है। तो एक चीज सबसे पहले समझना जरूरी है कि जितने भी वेक्टर्स हैं उसको एक प्लेन में हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली, उससे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर एक वेक्टर ए है तो इसको अगर प्लेन पे कहीं पे भी चेंज करें, कहीं पे भी मूव करें पैरेलली, तो ये सारे वेक्टर्स जो हैं एक ही वेक्टर है ए, क्योंकि सेम वेक्टर को आप पैरेलली हर जगह चेंज कर रहे हो, राइट। लेंथ भी उसका सेम रखे हो, मैग्नीट्यूड सेम रखे हो, और उसको अगर पैरेलली पूरे प्लेन में कहीं शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं करे। तो अब उस कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएं, तो हमने ये बोला कि ये हमारा था वेक्टर ए और ये था हमारा वेक्टर बी, और ये एंगल दे रखा था अल्फा। हमें कह रहा है कि भाई ए और बी के बीच में एंगल निकालो, तो भाई बी को तो वहीं छोड़ देते हैं हम लोग। अब ए को इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे, ए को पैरेलली शिफ्ट करेंगे ऐसे कि इसका टेल जो है बी के टेल के साथ कॉन्साइड कर दे। हम लोग ए को कहीं पे भी प्लेन में पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे था इसको हम लोग पैरेलली आगे की तरफ शिफ्ट कर दें।
अब जो ए और बी वेक्टर है, इन दोनों का इनिशियल वेक्टर सेम है, मतलब टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। अब इनके बीच में दो एंगल है, एक ये वाला एंगल है, दूसरा ये वाला एंगल है। तो ये वाला जो एंगल है स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, इन दोनों में छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला। सो स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। सो दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। क्लियर है बच्चों? यस सर। सो अगर तुमने इसको अल्फा बोला था, इसको तुम शिफ्ट करके यहां ले आए, तो अब क्या है, ये एंगल 180 माइनस अल्फा हो गया। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या लिखेंगे हम, 180 माइनस अल्फा लिखेंगे। सो फिगर जो बी है उसमें एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 माइनस अल्फा। तो एग्जाम्पल एक दे रखा है कि मान लो इस तरह से ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो ए को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और अब इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर है बच्चों? यस सर। Now, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एक वेक्टर बी ऐसे बताया हुआ है, ये वेक्टर बी है और दूसरा वेक्टर जो है इस तरह से है वेक्टर ए, और इनके बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। हमें ए और बी के बीच में है ना, ए और बी के बीच में एक बेसिकली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना है। इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट करेंगे कि दोनों का टेल साथ में आ जाए, मतलब ए को इधर लेके आ जाओ अगर, तो सेम चीज है, चाहे तुम ए यहाँ लिखो या पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लिखो, बात बराबर है। तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच में अब एंगल निकालना है छोटा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये 150 डिग्री हो जाएगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री। ठीक है बच्चों? यस सर। तो दो वेक्टर को अगर हम सेम इनिशियल पॉइंट पे टेल टू टेल ज्वाइन कर दें और उनके बीच में जो एंगल निकालेंगे, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम लोग करते हैं इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर इक्वल कब कहलाएगा, हम लोग पीछे भी देखे थे कि वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है, तो और डायरेक्शन देखो PQ और TS का डायरेक्शन सेम है, तो PQ एंड TS आर इक्वल वेक्टर्स। उसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट साइड का लेंथ सेम, तो QR और TP का, सॉरी PT का, QS और PT का लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम है, तो QS जो है PT के बराबर हो जाए। अब वही चीज जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अ वेक्टर विल रिमेन सेम इफ वी ट्रांसलेट इट पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट रोटेटिंग। अगर एक प्लेन में पैरेलली एक वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करेंगे, तो उसका जो वैल्यू है वो वेक्टर सेम रह जाए, वेक्टर में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम लोग लेंथ तो चेंज कर नहीं रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम रख रहे हैं, क्योंकि एरो का डायरेक्शन जो एक ही तरफ है, अगर पैरेलली कहीं भी शिफ्ट करते हो तो, इसीलिए बिकॉज तुम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, मतलब वेक्टर चेंज नहीं होगा, वेक्टर सेम रह जाएगा। तो अगर एक प्लेन में तुम पैरेलली कहीं पे भी वेक्टर को शिफ्ट करते हो, देन दैट वेक्टर रिमेन्स द सेम। ठीक है? ऑन रोटेशन अ वेक्टर चेंजेस कंप्लीटली, बट यही अगर तुम कोई रोटेशन कर दोगे है ना, वेक्टर को घुमा दोगे, तो अब जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर चेंज हो गया, अब कुछ ए डैश बन गया। क्यों ए डैश बन गया, क्योंकि अब इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन से अलग हो गया। सो ऑन रोटेशन अ वेक्टर चेंजेस कंप्लीटली, ऑल्दो इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन इट रिप्रेजेंट्स न्यू क्वांटिटी, न्यू वेक्टर क्वांटिटी।
डायरेक्शन चेंज हो गया, इवन दो मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर क्या हो गया, बदल गया। नाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का नेगेटिव मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का बट डायरेक्शन उल्टा, मतलब एरो एकदम 180 डिग्री ऑपोजिट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैज सेम मैग्नीट्यूड, लेंथ सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब यहाँ पे हम लेंथ सेम दिखा रहे हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो यहाँ पे वो दिखा भी रखा है, ये वेक्टर ए हो गया तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस ए हो गया। सो इन फिगर अबव बी इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, सो बी इज इक्वल टू माइनस ए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या हुआ, वो सारे वेक्टर्स जिसका की डायरेक्शन सेम है उनको कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। सो वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग सेम लाइन और पैरेलल लाइंस आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो जाएंगे, मतलब ये भी कोलिनियर ही कहलाएगा सी और डी, बिकॉज बट डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है बट पैरेलल है, इसीलिए इसको कोलिनियर वेक्टर्स ही कहते हैं। सो कोलिनियर वेक्टर्स दो तरीके के होंगे, एक पैरेलल और दूसरा एंटी पैरेलल। पैरेलल का डायरेक्शन सेम होगा, एंटी पैरेलल का डायरेक्शन 180 डिग्री ऑपोजिट होगा। सो इफ टू कोलिनियर वेक्टर्स एक्ट अलोंग सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ए बी सी, ए बी और सी ये पैरेलल वेक्टर्स है। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ टू कोलिनियर वेक्टर्स मतलब पैरेलल वेक्टर्स act in opposite direction they are called anti-parallel vectors, b and d are anti-parallels। देखो b or d या c or d ये सब anti-parallel vectors। If two vectors are collinear then one vector can be expressed as multiple of some scalar or real numbers। तो अगर दो vector collinear है तो एक vector को दूसरे के terms में हम लोग लिख सकते हैं scalar के terms में। So basically एक vector a है, so this can be written as lambda times b, ठीक है। so if one vector can be represented in some other form, मतलब किसी number से multiply करके, मान लो तुम्हारे पास एक vector a है जिसको हम लोग two times vector b लिख रहे हैं, तो two times vector b का मतलब कि magnitude double हो गया vector b से but direction तो vector b के ही along है, मतलब कि अगर ये मेरा vector b है तो टू टाइम्स वेक्टर बी का मतलब इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया बट डायरेक्शन सेम रखा। तो अब बी और टू बी ये क्या है, ये बेसिकली आपस में कोलिनियर वेक्टर्स होंगे क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर को हम लोग एक को दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। अगर दो कोलिनियर वेक्टर है जैसे बी और सी, यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर है तो सी इज इक्वल टू कुछ भी हम लोग लैम्डा टाइम्स बी लिख देंगे। तो लैम्डा जहाँ पे कोई नंबर है तो यहाँ पे सी और बी हमेशा क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर्स होगा। तो दो कोलिनियर वेक्टर को एक दूसरे के फॉर्म में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट किया जा सकता। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब उसके बाद एक अलग नाम है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब सबका टेल अगर सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है, तब उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। यहाँ पे चार वेक्टर ए बी सी डी हमें दिख रहा है, ये चारों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है ओ, है ना। तो ऐसे वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स कहेंगे। तो ये सारे वेक्टर्स, so if tails of two or more vectors meet at some point then they are called co-initial vectors। so tail अगर एक point पे meet करता है, इन vectors को co-initial vectors बोला जाता है। उसके बाद concurrent vectors, concurrent vectors जो कि किसी एक point पे अगर meet करते हैं तो उनको concurrent vectors बोला जाता है। so concurrent line जैसे होता है वैसे ही।
सो कंकरेंट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच पास थ्रू द सेम पॉइंट, है ना, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं उनको कंकरेंट वेक्टर्स कहेंगे। को टर्मिनस वेक्टर, अगर हेड्स ऑफ टू और मोर वेक्टर मीट एट सेम पॉइंट देन वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। हेड्स मीट एट सेम पॉइंट, मान लो एक वेक्टर इधर हो गया, दूसरा वेक्टर इधर हो गया, तीसरा वेक्टर इधर हो गया, ये जो सारे वेक्टर्स हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये सारे वेक्टर्स क्या है, एक ही पॉइंट के तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के तरफ डायरेक्टेड है, तो इन तीनों वेक्टर्स को बेसिकली हम लोग को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये सब एक ही पॉइंट पी पे टर्मिनेट कर जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है मतलब वहीं पे जाके रुक जा रहा है। तो अगर हेड्स जो है सारे वेक्टर के एक ही पॉइंट पे है, ऐसे वेक्टर्स को को टर्मिनस वेक्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा भी रहा है, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया और वेक्टर सी हो गया, ये सारे एक पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है और ऐसे वेक्टर्स को को टर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। को प्लेनर वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन पे लाई करता है उनको को प्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। सो थ्री वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स। सो थ्री वेक्टर्स फॉर्मिंग अ ट्राइंगल मस्ट बी को प्लेनर एज ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर। तो अगर कोई भी तीन वेक्टर जो है ट्राइंगल फॉर्म करता है तो वो को प्लेनर ही कहलाएगा, क्योंकि ट्राइंगल एक प्लेनर फिगर है, एक ही प्लेन पे लाई करता है। बिकॉज ट्राइंगल प्लेनर फिगर है तो यहाँ पे अगर कोई भी तीन वेक्टर अगर एक ट्राइंगल बनाता है तो वो तीनों वेक्टर को प्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। अब पोलर वेक्टर्स, सो वेक्टर्स विच हैव इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर जिस जो इनिशियल पॉइंट बस दिया है या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बताया हुआ है, उन वेक्टर्स को हम लोग पोलर वेक्टर्स कहते हैं। तो ये सब टर्म्स है एज सच, जहां जहां पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहां पे यूज आएगा आगे कॉन्सेप्ट समझने में। एक और वेक्टर होता है एक्सियल वेक्टर, अभी हम लोग बात कर भी रहे थे कि भाई हम लोग फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो जो थंब का डायरेक्शन वो हमें एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन देता है। तो कभी भी जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करेगा सर्कुलर मोशन में, तो वैसे केस में तो एनी ऑब्जेक्ट विच रोटेट्स इन अ सर्कुलर मोशन, सो दैट कैन बी इन टू डायरेक्शंस, एक हो गया एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन और दूसरा हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका जो एक्सियल वेक्टर है ऊपर की तरफ होगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका जो एक्सियल वेक्टर है वो नीचे की तरफ होगा। क्यों ऐसा होता है, सेम चीज हम लोग बात करेंगे, दिखाएंगे आपको कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप क्या करो कि फिंगर्स को ऐसे कर्ल कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो थंब का डायरेक्शन है वो हमें बेसिकली ऊपर के तरफ डायरेक्टेड है, तो ये हमें वेक्टर देगा, है ना। और यही अगर क्लॉकवाइज होता तो उस केस में थंब नीचे चला जाता, थंब नीचे चला जाता तो डायरेक्शन इसका ऑपोजिट हो गया। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे समझना चाह रहे हैं जो प्रीवियस फिगर है एक्सियल वेक्टर में। तो एक्सियल वेक्टर अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सियल वेक्टर इज अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। नाउ एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर्स, सो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर मोमेंटम जे, एंगुलर एक्सेलरेशन इन टॉर्क। सो बेसिकली ये सब एग्जाम्पल्स हैं एक्सियल वेक्टर्स, जहां भी रोटेशन पिक्चर में आता है वहां पे एक्सियल वेक्टर आ जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, है ना। तो ये सारी जगहों पे तुम देखोगे कि एक्सियल वेक्टर का यूज आता है डिफाइन करने। अब यूनिट वेक्टर्स, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड
एंड ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है. अब नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में बात करें तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट. को इनिशियल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है सेम है. कोलिनियर वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में तो वो कोलिनियर वेक्टर हो गया. को प्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करेगा उसको को प्लेनर वेक्टर्स कहते हैं. ठीक है. अब हम लोग आते हैं पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में. तो पोजीशन वेक्टर बेसिकली अगर ए पॉइंट है राइट इसका पोजीशन हम लोग को कंसिडर करना. ये ओरिजिन क्या हो गया 0,0 हो गया. ए पॉइंट है मान लो इसका इसका जो कोऑर्डिनेट है ए का x1, y1 है और बी पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट जो है x2, y2 है. तो ये बेसिकली x1, y1 तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो गया ए पॉइंट का और x2, y2 बी पॉइंट का. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर हम लोग को लिखना है तो इसको हम लोग लिखते हैं ओ ए वैक्टर से. और बिकॉज ये ओरिजिन है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x1 -0 i cap + y1 -0 j cap है ना. जो x2 - x1 बेसिकली ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ए का कोऑर्डिनेट माइनस ओ का कोऑर्डिनेट तो वो हमें पोजीशन वेक्टर ए का बताता है. दिस इज इक्वल टू x1 i + y1 j. ये मेरा पोजीशन वेक्टर ए का हो गया ओ ए से जिसको रिप्रेजेंट करते. उसी तरह अगर हमें पोजीशन वेक्टर बी का निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विल बी रिप्रेजेंटेड एज ओ बी विच इज इक्वल टू है ना x2 i + y2 j. ये पोजीशन वेक्टर बी का हो गया. तो ये पोजीशन वेक्टर बी का हो गया ये पोजीशन वेक्टर ए का हो गया. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कि भाई फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. फाइनल पोजीशन वेक्टर का मतलब x2 i + y2 j - initial means x1 i + y1 j. अब ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा x2 - x1 i + y2 - y1 j. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का यूज करते हैं. फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताते हैं. तो ये जो ए बी है ये हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये जो ओ बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया. ज्योमेट्रिकली कैसे समझते हैं इसको ये हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग वेक्टर्स एडिशंस कर रहे होंगे. सो कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन. एक हमारे पास एक्स वाई प्लेन है विथ ओरिजिन एट ओ. तो हमारे पास ओरिजिन ओ पे है. लेट एट टाइम टी किसी टाइम टी पे ऑब्जेक्ट ए पे है. द ऑब्जेक्ट बी एट पॉइंट ओ. सो इफ वी ड्रॉ एन एरो विद इट्स टेल एट पॉइंट ओ एंड हेड एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर देन ओ ए इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम लोग अगर इसके टेल को ओरिजिन पे रखें हेड ए पे रखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर. ठीक है ये हमारा वेक्टर आर हो गया. नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट.
तो ओरिजिन से लेके उसके पोजीशन तक जो हम लोग वेक्टर बनाते हैं उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह पोजीशन वेक्टर OA ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट प्रोवाइड्स द टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है, दो चीज बताता है हमें। पहला, इट टेल्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन और द स्टार्टिंग पॉइंट। पहला चीज क्या बताता है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस उस पॉइंट का ए का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, वो हमें पोजीशन वेक्टर बताता है। दूसरा, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, डायरेक्शन भी बताता है और स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है उसका, उस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो भी बताता है। तो ये दो चीज हमें पोजीशन वेक्टर जो है बताता है। क्लियर है, ये लिख लिया आप लोगों ने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। अब यहीं पे देखें अगर, सो लेट एट टाइम टी डैश द ऑब्जेक्ट रीच एट पॉइंट बी एज शोन इन फिगर, देन ओबी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम टी डैश। तो यही चीज जो हम लोग बना रहे थे, पॉइंट ए पे है, दूसरा जो है बी पे पहुंच गया, ये ओ है, ओ ए जो है इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया टी टाइम पे, और टी डैश टाइम पे वो बी पे पहुंच गया तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। हियर ए बी वेयर टेल और इनिशियल पोजीशन इज एट ए एंड हेड इज एट बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ए जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर से लेके फाइनल पोजीशन वेक्टर तक का जो डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इनिशियल इनिशियल से फाइनल। सो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर व्हिच टेल्स अस हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का एरो फाइनल के तरफ है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देता है, ठीक है। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर, किसी रियल नंबर से अगर हमको वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे वेक्टर ए है, इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ए हो गया। तो ए को अगर टू से मल्टीप्लाई किया है तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया, ए को अगर माइनस टू से मल्टीप्लाई किया मैग्नीट्यूड तो डबल हुआ, साथ में डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गया। तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है और साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी उतने टाइम्स बढ़ जाता है, और अगर पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो डायरेक्शन सेम रहता है। सो the multiplication of a vector a by a real number n becomes another vector n a, its magnitude becomes n times the magnitude of the given vector, its direction is the same, hai na, or opposite to that of a, so according as n is a positive or negative real number, so n jo positive or negative real number accordingly ho, theek hai। so अब वेक्टर ए के अलोंग ये डायरेक्शन है तो एन ए हो गया, और एन अगर पॉजिटिव है तो उसी तरफ डायरेक्शन हो गया, एन अगर नेगेटिव है तो उसके ऑपोजिट के तरफ डायरेक्शन हो गया, ठीक है बच्चों। अब एक नल और जीरो वेक्टर है, ये लास्ट है, हम लोग इसके बाद रुक जाएंगे आज के लिए। नल वेक्टर क्या वेक्टर होता है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जीरो मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा बट डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। एक वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड जीरो रखोगे तो इसको तो हम बोल सकते हैं इधर भी पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है, किधर भी पॉइंट कर रहा है। तो ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है उसका डायरेक्शन कोई फिक्स्ड नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसीलिए जीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो के ऊपर एक ऐसे एरो लगा के हम लोग रिप्रेजेंट। सो नीड ऑफ जीरो वेक्टर, हम लोग को जरूरत क्या है जीरो वेक्टर का, भाई अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही चाहिए, तो अगर दोनों वेक्टर सेम वैल्यू का है तब हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा उसको जीरो वेक्टर। So addition of two vector must result into a vector. Similarly, difference of two vector should also be a vector. So अगर a और b vector same है, तो a minus b करने पे zero आता है,
विच शुड बी अ वेक्टर एंड दैट्स व्हाई नल वेक्टर के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर के फॉर्म में जीरो नहीं लिख सकते, उसको वेक्टर के फॉर्म में जीरो के ऊपर एरो लिख के बताना होता है. Note that if we write a minus b is 0, then it will mean that difference of two vector a and b is scalar. अगर इसके ऊपर हम लोग एरो नहीं लगाते हैं, इसका मतलब कि क्या हो गया, दो वेक्टर का डिफरेंस एक स्केलर हो गया, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को झूठा साबित कर देगा. हमने क्या बोला है, दो वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके भी एक वेक्टर मिलता है. तो अगर उस चीज को कायम रखना है तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो जीरो के ऊपर हम लोग ऐसे एरो दिखाते हैं और तब बोलते हैं कि ये वेक्टर के फॉर्म में अब दिखा दिया हमने, और वो वेक्टर क्या हो गया, नल वेक्टर. सो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर मस्ट बी अ स्केलर एंड नॉट अ वेक्टर, एंड दैट्स व्हाई वी ब्रिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर. ठीक है, हम लोग यहीं पे रुकेंगे आज के लिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, तो जो हम लोग अभी ये नोट्स शेयर कर लेंगे, अपना नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेना इस पोर्शन में. ठीक है ना बच्चों? ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर. आई थैंक यू सर, वो आपसे दो मिनट बात करनी थी. थैंक यू सर. रुक जाना तुम. हाँ, बाकी लोग जा सकते हैं.